बसंत पंचमी का त्योहार आ रहा है और हम लोग सरस्वती माँ को भोग लगाने के लिए कुछ ना कुछ बनाते ही हैं। तो आज फ्रेंड्स मैं लेके आई हूँ मीठे चावल। सो फ्रेंड्स रेसिपी को एंजॉय कीजिए और मेरे साथ वीडियो के एंड तक जुड़े रहिएगा। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ राधिका और राधिका रेसिपी चैनल में आपका स्वागत है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन ऑल को अनेबल कर लीजिए। मीठे चावल बनाने के लिए फ्रेंड्स इस तरह से मैंने एक कटोरी बासमती राइस लिया है। राइस आप कोई भी ले सकते हो, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, बहुत ज्यादा टूटा हुआ चावल या जिसको परमल चावल बोलते हैं वो मत लेना, उससे मीठे चावल बहुत ज्यादा खिले खिले अच्छे नहीं बनते। सबसे इम्पोर्टेंट चीज, जैसे मैंने आज इस कटोरी के नाप से चावल लिए हैं तो इसी कटोरी से हम बाकी मेजरमेंट करेंगे। आप घर में पड़ी हुई कोई भी नॉर्मल कटोरी ले सकते हो। अभी चावल जो है फ्रेंड्स मैंने आधा घंटा पहले ही भिगो दिए थे। भिगोना जरूरी होता है क्योंकि भिगोने से क्या है, चावल जो है खिला खिला बनता है और उसमें सॉफ्टनेस अच्छी आ जाती है, मतलब बहुत ज्यादा टाइम उसको पकाने में नहीं लगता। इसको मैंने 2 से 3 बार अच्छे से वॉश कर लिया है। अब एक बड़ा पैन या बड़ी कढ़ाई लेंगे फ्रेंड्स, उसमें मैंने 4 से 5 बड़े गिलास पानी डाले हैं। पानी को पहले हम बॉयल आने देंगे। जैसे ही पानी बॉयल आ जाएगा ये चावल जो है सारे मैं इसमें डाल दूंगी, बहुत ही जेंटली। बस इस चीज का ध्यान रखना कि चावल हमारे टूटे नहीं। साथ ही इसमें मैं डाल दूंगी कुछ खड़े मसाले, ये हैं 2 बे लीफ, दालचीनी छोटी सी, बहुत ही अच्छा फ्लेवर देने के लिए 2 से 3 इलायची, क्योंकि आज हम बना रहे हैं बसंत पंचमी का तो येलो कलर तो बनता ही है, तो ये मैं डाल रही हूँ येलो फूड कलर। अगर आपके पास फूड कलर नहीं है तो आप इसमें थोड़ी सी हल्दी भी डाल सकते हो। अगेन इसको करेंगे मिक्स। अब साथ ही इसमें मैं डाल रही हूँ ये आधा नींबू। नींबू इसलिए ताकि चावल जो है हमारे चिपके नहीं, वो खिले खिले बने, ठीक है। अब हमने इस चावल को फ्रेंड्स 100% कुक नहीं करना, 80% करना है। थोड़ी सी कसर हम रहने देंगे और इसको बनाएंगे मीडियम टू हाई फ्लेम, और बहुत ज्यादा इस पे करछी नहीं यूज करनी, अदरवाइज चावल जो है हमारा टूट जाएगा। लेट्स सी हमारे चावल कितने कुक हुए हैं। अब इस तरह से करछी से लेके इसको चेक करेंगे। ये देखिए हल्का सा अभी भी कच्चा है। गैस का फ्लेम मैं कर दूंगी बंद और इसको इसी में नहीं रहने देंगे, इसको किसी भी सूप छन्नी या फिर स्ट्रेनर में इसको छान लेंगे। इस तरह से कोई भी छन्नी ले लेंगे, उसमें इसमें छान लेंगे, चाहे तो आप सूप छन्नी भी ले सकते हो। अब ये देखो चावल जो है हमारे अभी ही कितने खिले खिले बने, ठीक है। बस इस चीज का ध्यान रखना कि चावल जो है हमारे इस तरह से लंबे लंबे रहे, टूटे नहीं। अब एक कढ़ाई लेंगे फ्रेंड्स, उसमें मैं डाल रही हूँ 3 से 4 बड़े चम्मच देसी घी। देसी घी ही लीजिएगा तभी मीठे चावल का जो टेस्ट है बहुत अच्छा आएगा। जैसे ही घी मेल्ट हो जाए, बहुत ही अच्छा फ्लेवर देने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ 3 से 4 लौंग। करेंगे हल्का सा स्टर। अब जिस कटोरी के नाप से फ्रेंड्स मैंने चावल लिए थे उसी कटोरी के नाप से मैं इसमें डाल रही हूँ आधी कटोरी पानी, और उसी कटोरी के नाप से डाल रही हूँ आधी कटोरी चीनी। 1 कटोरी चावल में हम डालेंगे आधी कटोरी चीनी। चीनी आप कम ज्यादा कर सकते हो, मतलब आधी कटोरी चीनी से क्या है, बहुत ज्यादा मीठे नहीं बनते बट मीडियम मीठे बनते हैं। अगर आपको बहुत ज्यादा मीठे खाने हैं तो आप 3/4 कप भी डाल सकते हो। अब हमने फ्रेंड्स इसको मीडियम टू हाई फ्लेम, इसको चीनी को लगातार हिलाना है। हमने इसकी चाशनी नहीं बनानी, बस तब तक इसको हिलाना है जब तक चीनी हमारी मेल्ट नहीं हो जाती। अब ये देखो चीनी जो है मेरी मेल्ट हो चुकी है, इससे ज्यादा नहीं पकाएंगे। साथ ही इसमें मैं बहुत ही अच्छा फ्लेवर देने की डाल रही हूँ 4 से 5 केसर के स्ट्रैंड्स। अगर आपके पास केसर नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो। अब साथ ही इसमें मैं डाल दूंगी ये जो चावल हमने छान के रखे थे, बहुत ही जेंटली, चावल हमारा टूटना नहीं चाहिए। अब आप देख रहे होंगे चावल मेरा इस टाइम बहुत ज्यादा खिला खिला है, लेकिन एंड में जब आप रिजल्ट देखेंगे चावल तब भी खिला खिला ही बनेगा, ये चिपके चिपके चावल नहीं बनेंगे। जैसे ही चावल को डाल देंगे इसको बहुत ही जेंटली करेंगे मिक्स। इसीलिए मैंने बोला था 100% कुक नहीं करेंगे, ये जो पानी और चीनी है वे चावल को अच्छे से सक कर लेंगे, ठीक है, तभी जो चावल है हमारे मैशी नहीं बनेंगे। अब साथ ही इसमें मैं डाल दूंगी बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स, वो आप अपनी चॉइस के कोई भी डाल सकते हो और कितनी भी क्वांटिटी डाल सकते हो। बादाम, थोड़ी सी किशमिश, थोड़े से काजू, आप चाहें तो इसमें फ्रेश नारियल भी काट के डाल सकते हो, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अगेन इसको करेंगे मिक्स और इसको कवर करके रख देंगे 5 से 6 मिनट तक, ताकि अच्छे से ये कुक हो जाएं। लेट्स सी हमारे चावल हुए हैं कि नहीं। ये देखो चावल जो है इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं है, चेक कर लेते हैं। ये देखिए चावल जो है बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है, डेट मीन्स चावल हमारे अच्छे से पक चुके हैं। अब आप देख रहे हैं, बिलीव मी, ये चावल अगर आप हफ्ता भर भी ऐसे ही रखोगे ना, ये चावल ऐसे ही रहेंगे, बिल्कुल भी मैशी नहीं होंगे। अब इस बसंत पंचमी ये मीठे चावल जरूर बनाइएगा। तो करते हैं इसकी प्लेटिंग। तो फाइनली रेडी है जी हमारा बसंत पंचमी मीठे चावल।
ऊपर से गार्निश कर देते हैं थोड़े से ड्राई फ्रूट्स के साथ। अब ये देखो कितने ज्यादा टेम्पटिंग लग रहे हैं। तो इस बसंत पंचमी ये सरस्वती माँ को भोग लगाइए और सबको खिलाइए। देखा कितने खिले खिले बने हैं और बिलीव मी खाने में भी बहुत ज्यादा टेस्टी। सो फ्रेंड्स, जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।